है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें गौरव की अनुभूति भी कराता है। पिछले दिन आज के दिन पुलवामा में भाई राजेंद्र रैण शहीद हुए थे और इसी दिसंबर में हमारे बिजली के लाल किशन सिंह शहीद हुए। मित्रों, चूरू जिले की धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के ऊपर न्यौछावर होने के लिए इस धरती ने अनेकों शहीद प्रदान किए हैं। मित्रों, जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है, लेकिन देश के लिए शहादत देकर, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर शहीद गति को प्राप्त करना फिर भी लोगों को सुलभ होता है। वो माता और वो पिता कन्या है जिनके घर में भाई राजेंद्र नैन जैसे पुत्र प्राप्त हुए। हमारे यह कहावत है कि माता गणेश जुगजुग प्रणाम है और उस वीरांगना को भी प्रणाम है जिसने हमें इस तहसील को गौरवानुभूति प्रदान की। आज राजेंद्र रैण की मूर्ति का अनावरण है। ये मूर्तियां हमें हमेशा शहीदों की याद दिलाती रहेगी और मैं ग्राम गोरीसर के निवासियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि शहीद की मूर्ति पर जब भी हमारे यहाँ कोई नई दुल्हन आए, नया बच्चा जिस घर में पैदा हो उसकी जात जरूरी उतारी जाए, उसकी थोक लगाई जाए। तो ये अमर शहीद राजेंद्र नैन को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन मैं एक बार पुनः शहीद के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनके माता पिता को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भजन जी, आपने ओजस्वी बात बताई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कांगड़ के सरपंच रामेश्वर जी ढाका से कि वो शहीद के बारे में परिचय दे। रामेश्वर जी ढाका कांगड़। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे साथियों, आज दोबारा मैंने राजेंद्र सही बोला था, राजेंद्र क्या बताऊँ, आप सब पता है राजेंद्र के चार बाल, उसका चार चलन इतना बढ़िया था, ये लिख लिया हमारा इंस्पेक्टर जगह है, इतना बड़ा प्रावधान बाल बाल की वजह से ही है। जननी जगह तो ऐसा जन का दाता का सूर नहीं कर पाते रह जाए भक्त को मारे दूर, उस सारी चीजों में वो सेट था। नहीं तो उसकी जंगली आदत थी, आदत में बढ़िया से बढ़िया आदत थी। मेरा कहना यह है कि राजेंद्र जैसे ऐसे हर बच्चा आपकी आदत सुधारे, जाति धर्म और मजहब से उठ करके इस देश के लिए कुछ करके जाए। आपको शहीद भगत सिंह याद है, सबको देश की आजादी में भगत सिंह ने क्या किया था, भगत सिंह के अंतिम शब्द क्या थे,
भगत सिंह जब कालकोठी में थे, अंत में जब पूछी गई तो भगत सिंह ने कहा कि मेरे बेबे को बुलाओ। बेबे पंजाबी में माँ को कहते, माँ को बुलाया गया। भगत सिंह ने कहा नहीं, माँ से मिल करके कहा नहीं, असली माँ नहीं है। तो कि वो जो मेरा मलमूत्र यहाँ से उठाता है उस आदमी को बुलाओ। भंगी को बुलाया गया। भंगी के गले मिल करके कहा कि भाई तू खाना बना, मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगा। भंगी ने खाना बनाया और भगत सिंह ने खाना खाया। देश को ये संदेश दिया कि ये जाति भ्रांति धर्म मजहब सबको छोड़ करके इंसानियत में जीना सीखो। इस बात पर आज भी अमल करो और इस तरीके से अगर जिएंगे तो इस हिंदुस्तान का कोई भाड़ पाका भी नहीं कर सकेगा। अगर ये अपने अंदर हिंदू मुसलमान ईसाई ब्राह्मण जाट भावना रहेगी तो अपने को दुश्मन किसी भी लोग घेर सकेंगे। इस चीज से ऊपर उठ करके बढ़ो तो राजेंद्र नैन की तरह सब ही महान हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, गुर्बत भी हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। अभी जो उद्गार प्रकट किए अपनी भावनाएं आप सबके साथ शेयर की है, तो हम सब का भी दायित्व बनता है कि हम जाति धर्म भाषा और विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं उनसे ऊपर उठकर हम सब भारतीय हैं, इस भावना के साथ देश की तरक्की और देश की रक्षा में अपना योगदान करें। और जब हम सब इस भावना के साथ अपने अपने फर्ज हैं, जरूर नहीं आप देश की रक्षा ही करें, आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं आप ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करें। नौजवान हैं वो अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पदों पर पहुंचे और शहीद राजेंद्र नैन को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यह होगी कि हम अपने गांव में ये जो युवा हैं वो अच्छे मुकाम पर पहुंचे, बेहतर पढ़ाई करें और अच्छे मुकाम पर पहुंचकर गांव का नाम रोशन करें। हम जब भी कोई अवसर हो, जब भी कोई ऐसा मौका हो कि हमें कुछ उत्सव मनाना है तो हम उसकी शुरुआत यहां से करें, शहीद स्मारक से। परमेंद्र जी श्याम से निवेदन करूंगा, अपना उद्बोधन दें। परमेंद्र जी श्याम युवा नेता।